अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हफ़ाज विलेज ब्लॉग से। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कैसे आप हाल फिट फाट होंगे? यूट्यूब फैमिली के जितने दोस्त हैं, तो दोस्तों मैं आप करने हैं व्लॉगिंग, तो आप दिखा दे दोस्तों को, दिखा रहा हूँ व्लॉगिंग, बड़ी ज़बरदस्त व्लॉगिंग है। तो जनाब कैसे हैं आपके दोस्तों? आपकी हाल चाल कैसे है? आपकी तबीयत कैसी है? तो जनाब यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा दोस्तों को व्लॉग बना के दिखाऊँ। तो जनाब आप दोस्त जब भी मेरे चैनल पे आया करें तो लाइक और शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी व्लॉगिंग दिखा सकें। तो जनाब अभी हम शुरू करेंगे व्लॉगिंग थोड़ी देर बाद, तो आप सर थोड़ा सा गपशप लगा लें। तो दोस्तों आप कैसे हैं? आपकी फैमिली कैसी है? आप यूट्यूब पर आए हैं तो यूट्यूब पर आपका माहौल कैसा लगा? अच्छा लगा? कैसा लगा? तो आपने अपने कमेंट में बताना है। व्यूज़ लाजमी देने मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बना सकूं, क्योंकि गांव का माहौल है, हम गांव में फिर रहे हैं। अभी व्लॉग मैंने शुरू करनी है, आप दिखाता हूं। तो दोस्तों गांव का माहौल बड़ा खूबसूरत होता है, बड़े माहौल के ऐसा माहौल होता है, खूबसूरती के लिहाज से विलेज का माहौल बड़ा प्यारा होता है। जनाब अभी मैं शुरू करने वाला हूँ कुछ देर बाद व्लॉगिंग, तो आप दोस्तों को दिखाऊँगा अभी कैसे व्लॉगिंग हम बनाते हैं। दोस्तों आप कैसे हैं? आपकी फैमिली कैसी है? आपके दोस्त अहबाब कैसे हैं? तो जनाब हमारे चैनल पे जब आप नए आते हैं तो कोशिश किया करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। पुराने दोस्त वो लाइक और शेयर तो लाजमी करते हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह, उनको ज़रूरत है वो करेंगे, जो मेरे पक्के दोस्त हैं वो तो ज़रूर करेंगे। तो आपने लाइक और शेयर भी करना है और आगे भी दोस्तों से बताना है कि यार ये चैनल पर बड़ी ज़बरदस्त व्लॉगिंग होती है, फहद विलेज ब्लॉग बड़े ज़बरदस्त ब्लॉगिंग बनाता है, तो हम इसके चैनल पर जाएं और इसके चैनल की विज़िट करें। तो जनाब चलते हैं आज की ब्लॉगिंग पर, तो आपको दिखाते हैं आज तित्तर। तित्तर के बच्चे हैं नन्हे से, ये देखे जी तित्तर बैठे हैं। तो दोस्तों अभी शुरू करने से पहले ना ये उनकी ये देखें, ये बच्चे दे बैठे बच्चे, वो ओए ये तित्तर बैठे हैं अभी। तित्तर तो तित्तर के माहौल के तित्तर ऐसे हैं जनाब, कैसे आप बताएं, तित्तरों के माहौल बड़ा खूबसूरत होता है। ये तित्तर हैं बड़े प्यारे तित्तर हैं। तो जनाब हमने तित्तरों का आप दिखाना है तित्तर किस तरह के होते हैं। ये तित्तर बैठे हैं अंदर, ओ ये अंडे हैं, ये अंडे दिए होंगे, ये अंडे पड़े हैं, ये तित्तर के अंडे हैं। ये देखें ये दोनों बैठे हैं तित्तर, एक तित्तर उसकी नर है एक मादा है, ये बैठे हैं देखें। ओए वही अभी ये नन्हे से हैं, तो अभी नए नए हैं, तो ये अभी डर रहे हैं क्योंकि ये नन्हे से हैं। इधर बैठो इधर बैठो, तो ये तित्तर है, ये तित्तर के ये अभी बच्चे देने वाले हैं, ये अंडे दिए होंगे। तो ये देखिए जी तित्तर तित्तर डर रहा है, डरने से भाग रहा है, तो मैं भी डर के बना रहा हूँ कि कहीं भाग ना जाए, क्योंकि ये अंडे दे के बैठे हैं। ये देखिए अंडे दिए हुए हैं नन्हे से तित्तर हैं, ये देखिए ये भागने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह भाग जाए, तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ये तित्तर। दोस्तों कितने खूबसूरत माहौल है परिंदों का, देख ले बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह जी, बहुत प्यारे बहुत प्यारे। ये तित्तर है, तित्तर के नन्हे से बच्चे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं, उन्होंने अंडे दिए हुए हैं, ये अंडे पड़े हैं उनके। ये तित्तर ये देखें जी तित्तरों का माहौल, तित्तर की खूबसूरती, तो तित्तर किस तरह का माहौल होता है ये अभी दोस्तों आपने देखना है कि कितने प्यारे तित्तर हैं, परिंदे कितने खूबसूरत लगते हैं। ये देखें मैं अभी तित्तरों को दिखा ही रहा हूँ कि तित्तर भाग ना जाए इधर उधर, मैं डर भी रहा हूँ कि तित्तर के। ये देखे तित्तर, ये तित्तर है, ये भी तित्तर है, ये तित्तर कितने खूबसूरत तित्तर है माशाल्लाह जी, बड़े प्यारे तित्तर है। दो तित्तर हैं अभी अंडे दिए हुए, ये नर मादा है, ये मेरे ख्याल मादी है वो नर है, क्योंकि इसने अंडे पे बैठना, बच्चे निकलने हैं इसके, जब बच्चे निकलेंगे तो फिर ये पता चलेगा किस तरह के निकलते हैं ये तित्तर। ये देखे जी तित्तर, मैंने हाथ में इस भी मैंने दिखा दें आपको,
तीतर की खूबसूरती ये देखे, तीतर बड़ा खूबसूरत है तीतर। ये देखे जी उड़ के उधर बैठ गया है, ये दोनों बैठे हैं नर और मादा, ये बड़े खूबसूरत हैं जी जनाब, बड़े प्यारे लग रहे हैं। उनकी खूबसूरती देखने के लिए मैं स्पेशल इनके ब्लॉग में कर रहा हूँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं। जब भाग उधर भाग, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डर रहा हूँ उनकी क्योंकि इधर उधर उड़ ना जाए। ये देखे ब्लॉग में आपको ब्लॉग बना के दिखा रहा हूँ, ये देखे जी दोस्तों कितने खूबसूरत है तीतर, ये भागने की कोशिश कर रहा है, इधर भाग जाओ इधर भाग जाओ। तो मैं इसे बड़ी कोशिश की पकड़ा हुआ, मैंने कहा कि निकल आ जाए, मैं डरता हूँ किसी की चीज़ है। ये देखे बड़े प्यारे हैं, बड़े माहौल खूबसूरत माहौल है तीतरों का जनाब, बड़े प्यारे होते हैं तीतर। और परिंदे जितने भी खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक की एक रहमत है, अल्लाह पाक ने उन्हें बनाया है। ये बैठ गए अंडे, ये देख रहे अंडे पड़े हैं, जब ये अंडे निकालेंगे ये अंडे से बच्चे निकलेंगे, अभी बड़ी देर है इनको, अंडे से बच्चे निकलेंगे तो फिर देखने की आप किस तरह क्या करते हैं। ये तो फुर्र करके उड़ जाते हैं, फुर्र करके फिर तलाश करते फिर कहाँ गए। तो बड़े प्यारे हैं जी परिंदे, बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह जी, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने कहा जी आप दोस्तों को ब्लॉगिंग बना के दिखाऊँ कि मेरे ये नन्हे से ये चक्कर है, ये कहता है मुझे छोड़ इधर मैं निकलूं, और बस हाथ से निकला नहीं और गया। तो जनाब ये है हमारे तीतर, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे हैं। तो जनाब ये देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको कितने अच्छे लग रहे हैं, आपको देख ले खुद देखेंगे तीतरों के ये खूबसूरत तीतर हैं। तो जनाब ये तीतर ये हैं, तीतर तीतर बैठे हैं, ये तीतर नन्हे से तीतर हैं, यानी कि एक नर एक मादा है। अब इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, इसके बाद ये जब बच्चे निकलेंगे फिर आप दोस्त देख लेना भी क्या करते हैं ये। तो दोस्तों इतने खूबसूरत ब्लॉग हम कर रहे हैं, तो आप दोस्तों की भी गुजारिश है आप दोस्तों से कि आप दोस्तों ने ब्लॉग देखनी मुकम्मल होती है, आगे पीछे कभी ना क्या करें। तो आप दोस्तों ने ब्लॉग मुकम्मल देखें, तो आप दोस्त जब देखेंगे तो आप दोस्तों को ये ब्लॉग पसंद भी आएगी। ये बोल रहा है अभी, बोल थोड़ा सा बोलता है अभी, बोल नहीं रहा सीधे से, ये जब बोलेंगे तो फिर गड़बड़ आवाज़ निकालते हैं। दोस्तों आप लाइक और शेयर किया करें, आपकी यही मेहरबानी है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं जनाब, यही कह सकते हैं कि जब भी आप इनको देखें तो लाजमी आपने शेयर लाइक करना है, बताया करें कि हमें ब्लॉग पसंद आई है या नहीं आई। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन पर प्रेस भी किया करें, ताकि आने वाला जो भी ब्लॉग हो आप दोस्तों को अच्छे से अच्छा मिलता रहे, बना के मिलता रहे, हम बनाएं आप देखें। तो जनाब देहात का माहौल है, विलेज का माहौल है, गांव का माहौल है, बड़ा प्यारा माहौल है, बड़ा खूबसूरत माहौल है जो हम दोस्तों को आपको दिखाते रहते हैं ये विलेज में। अभी यहाँ पर हमारे पास बिजली नहीं है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ मैं किसी दोस्त के यहाँ आया हूँ तो वहाँ पे बिजली नहीं है, तो उन्होंने ये पीटर वगैरह लगाए हुए हैं। ये देख रहे विलेज का माहौल, चूँकि जानवर बांधे जाते हैं तो फिर उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है, जानवरों के लिए दूध पीने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो दोस्तों ये बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ के माहौल बड़ा खूबसूरत है, गाँव का माहौल विलेज का माहौल बड़ा प्यारा होता है, विलेज का माहौल देखने के लिए दुनिया तरसती है, क्योंकि विलेज वाला जो माहौल है वो शहरों में नहीं मिलता और शहरों वाला माहौल वो देहातों में नहीं मिलता, लेकिन देहात में फिर भी सुकून है, हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाती है, आप सब्ज़ी लें जो भी चीज़ हो, वो देहात से शहरों में जाती है, गांव से शहरों में जाती है, विलेज से गांव में शहरों से शहरों में जाती है, जो चीज़ भी हो चाहे गंदम हो प्याज हो अब चाहे लहसुन हो सब कुछ यहीं से जाता है ना, विलेज से जाता है, गांव से जाता है, गांव से विलेज दो यहां से जाती है हर चीज़। तो विलेज का माहौल बड़ा प्यारा होता है, विलेज का माहौल बड़ा खूबसूरत होता है। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इससे भी बेहतर से बेहतर ब्लॉगिंग करके आपको दोस्तों को दिखाएँगे। दोस्तों जाने से पहले मेरी थोड़ी सी गुजारिश सुन लें कि आप दोस्तों ने मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस भी कर देना, यही गुजारिश है। और जो पुराने दोस्त हैं वो लाइक शेयर करेंगे ताकि मज़ीद दोस्त हमारे
यूट्यूब चैनल पे आ सकें। तो दोस्तों, अगर हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो आपने कमेंट करने हैं, अपने व्यूज़ देने हैं कि हमें वाकई ब्लॉग पसंद आया। तो दोस्तों, आप ज़्यादा चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।